हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि। वेल, क्या आप लोग जानते हो कि इंडिया में 5,500 बिजनेस कॉलेजेस हैं, जिसमें 3 करोड़ बच्चे तो सिर्फ अभी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 93% एमबीए ग्रेजुएट स्टूडेंट इंडिया में अंडर एम्प्लॉयड है। मतलब उनके पास जॉब तो है, लेकिन उनकी डिग्री और क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनकी सैलरी बहुत कम है। जैसा कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया में एक एवरेज एमबीए करने वाले की सैलरी पर मंथ की 10,000 रुपए महीना होती है, जो कि इंडिया में एक सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी से भी काफी कम है। जबकि अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ 90% से अधिक लोगों को एक अच्छी खासी जॉब मिल जाती है, जहाँ उन्हें काफी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। दोस्तों, चाइना में एक एमबीए करने वाले की सैलरी इंडिया में एमबीए करने वाले से करीब 150% ज्यादा होती है। अब दोस्तों, बड़ा सवाल तो ये आता है कि आखिर क्यों चाइना और इंडिया में एमबीए करने वालों के बीच इतना ज्यादा डिफरेंस है। वेल, इस डिफरेंस के बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा, और साथ में आपको इंडियन स्टूडेंट और चाइनीज स्टूडेंट के बीच एक कंपैरिजन करके बताऊंगा कि दोनों में से कौन ज्यादा टैलेंटेड है। वेल, ये सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन करने से पहले हम दोनों देशों के एजुकेशन सिस्टम के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एक एजुकेशन सिस्टम ही है जो किसी डेवलपिंग नेशन को डेवलप बनाता है। तो अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो चाइना अपने स्टूडेंट को एक ह्यूमन ना बनाते हुए उन्हें रोबोट की तरह स्टडी दे रहा है। पहले आप इस वीडियो को देखो। इस वीडियो के अंदर जो स्कूल के बच्चे हैं वो 7वीं-8वीं क्लास में पढ़ते हैं, और दोस्तों, इन बच्चों को जो एजुकेशन दी जा रही है वो रोबोटिक एजुकेशन दी जा रही है। यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि जब बच्चा क्लास के अंदर एंट्री लेता है तो उस एजुकेशन सिस्टम के अंदर बच्चों को ये हेडगियर पहनना पड़ता है। दोस्तों, ये हेडगियर बच्चों के ब्रेन की सेल्स पर एक मॉनिटर रिकॉर्डर है, जिसमें क्लास में बच्चा क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। जब वो टेस्ट पेपर दे रहा था तो टेस्ट पेपर देते वक्त क्या वे क्वेश्चन के आंसर को प्रॉपरली सोच पाया, क्या उसके एनालिटिकल स्किल उसको प्रॉपरली उस आंसर तक ले पाए, हर एक बच्चे का मूड कैसा था, वो उस वक्त क्या सोच रहा था, क्या फील कर रहा था, उसके क्या सोच विचार चल रहे हैं इस एग्जाम को लेकर, ये सब कुछ इस हेडगियर में रिकॉर्ड होता है। और इस हेडगियर से सीधा चला जाता है उस कंप्यूटर रिकॉर्डर में, ताकि टीचर अपने इस कंप्यूटर रिकॉर्डर से हर बच्चे का एक ट्रैक रख सके। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, या वो मेंटली फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या वो टेस्ट देते वक्त क्वेश्चन के आंसर को प्रॉपरली नहीं सोच पा रहा है, ऐसी काफी सारी चीजों को टीचर खुद देख सकता है, और विद इन 10 मिनट में ये सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है उस बच्चे के पेरेंट्स तक। देखिए, पेरेंट्स इस बात पे कोई डिसीजन ले या ना ले, लेकिन चाइनीज एजुकेशन सिस्टम में इस चीज को बड़ा कंपल्सरी कर दिया गया है। दोस्तों, आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि चाइना के अंदर जब बच्चा 6 साल का होता है तब उसका स्कूल में एडमिशन करवाया जाता है, जबकि इंडिया के अंदर जब 3 साल का होता है तब उसको स्कूल में एडमिशन करवाया जाता है। तो चाइना में जब बच्चा 6 साल का होता है तब उसकी प्राइमरी स्कूल शुरू हो जाती है, जो कि 6 सालों की होती है, जिसको पूरा करने के बाद वो 3 साल 7th, 8th और 9th grade को वो अपने सेकेंडरी स्कूल में जाके पूरा करता है। तो पहले के 6 साल प्राइमरी स्कूल और फिर 3 साल सेकेंडरी स्कूल, तो ऐसे कुल मिलाकर 9 साल की एजुकेशन, वहाँ की कंपल्सरी एजुकेशन हर एक चाइनीज बच्चे को फ्री में दी जाती है, जिसमें गवर्नमेंट पूरा पैसा लगाती है। दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है इस कंपल्सरी एजुकेशन का, पेड एजुकेशन का नंबर। देखिए, जैसे इंडिया में 2 तरह के स्कूल है, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल। तो जैसे प्राइवेट स्कूल इंडिया में महंगे हैं, सेम वैसे ही चाइना में भी प्राइवेट स्कूल बहुत ज्यादा महंगे हैं। चाइना में ऑन एवरेज प्राइवेट स्कूलों की फीस $1,000 के आसपास होती है, यानी अगर मैं इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूँ तो 75,000 रुपए महीना यहाँ पे स्कूलों की फीस होती है। क्योंकि दोस्तों, इस तरीके के एजुकेशन में काफी हाई क्वालिटी के एजुकेशन सिखाए जाते हैं। दोस्तों, चाइना के हर एक प्राइवेट स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। दोस्तों, चाइनीज स्टूडेंट अपनी हायर एजुकेशन को 14 साल में कंप्लीट करते हैं, जबकि इंडियन स्टूडेंट 12 साल में अपनी एजुकेशन को पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, चाइनीज स्टूडेंट अपनी एजुकेशन को पूरा करने के बाद वो दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम गाओकाओ एग्जाम में बैठता है। ये एग्जाम इसलिए होता है क्योंकि एक अच्छे चाइनीज यूनिवर्सिटीज में सीटें काफी कम होती है और कंपटीशन काफी ज्यादा होता है। तो एक बेहतर यूनिवर्सिटी में जाने के लिए हर साल चाइना में 1 करोड़ बच्चे गाओकाओ का एग्जाम देते हैं। दोस्तों, ये एग्जाम 9 घंटे की ड्यूरेशन का होता है और 2 दिनों तक चलता है। दोस्तों, इस एग्जाम को देने से चाइनीज बच्चों के अंदर ओवरऑल हर पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो जाता है। तो दोस्तों, अगर हम ओवरऑल चाइनीज एजुकेशन सिस्टम को देखें तो इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये जो डिजिटल क्लासरूम चाइना के अंदर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये जो हेडगियर बच्चों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और जो एजुकेशन का पैटर्न है इनका, ये एजुकेशन का पैटर्न ही चाइनीज बच्चों के एनालिटिकल स्किल्स को बड़ा फोकस बना देते हैं, उन्हें एक बड़ा डिसीजन मेकर बना देते हैं, एक लेजर शार्प फोकस
उनके अंदर डेवलप कर देते हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो अभी तक इंडिया के पास ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम नहीं है। और दोस्तों होगा भी कैसे, जहाँ इंडिया में 9 करोड़ बच्चे तो कभी स्कूल ही नहीं जा पाते, जिसमें 60% तो लड़के शामिल होती है, 40% लड़के शामिल होते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने चाइना के एजुकेशन सिस्टम और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में जाना। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर, जहाँ चाइना आज MBA करने के मामले में वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंट्री बन चुका है, जबकि इंडिया MBA करने के मामले में दुनिया की सबसे बेकार कंट्रियों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया में MBA करने वालों के बारे में। तो दोस्तों इंडिया में अभी 5,500 बिजनेस कॉलेजेस हैं, जिसमें 3 करोड़ बच्चे तो सिर्फ अभी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया में एक एवरेज MBA करने वाले की सैलरी पर मंथ की 10,000 रुपए महीना होती है। अब बड़ा सवाल तो ये आता है कि आखिर क्यों इंडिया में एक MBA करने वाले की सैलरी इतनी ज्यादा कम होती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन की काफी कमी है, और जो इंडिया के टॉप बिजनेस कॉलेजेस हैं वहाँ थ्योरिकल एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन और प्रैक्टिकल एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता, जिसके कारण स्टूडेंट का बेसिक नॉलेज भी क्लियर नहीं हो पाता। इसके अलावा इंडिया में MBA का सिलेबस टाइम टू टाइम अपडेट नहीं किया जाता। दोस्तों आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है, दोस्तों टेक्नोलॉजी हर दिन अपडेट होती है, लेकिन इंडिया में MBA का सिलेबस सालों साल अपडेट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से स्टूडेंट नई नई स्किल्स को नहीं सीख पाता, जिसकी वजह से इन स्टूडेंटों को अच्छे प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल पाती। इसके अलावा दोस्तों इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी खराब होने की वजह से IIM और IIT के स्टूडेंटों की एजुकेशन भी लगातार खराब होती जा रही है, जिसके कारण IIM और IIT के स्टूडेंट इंटरनेशनल लेवल पर काफी पीछे होते जा रहे हैं। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन वाले कॉलेज नहीं है, दोस्तों इंडिया में कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ में एक बढ़िया प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है, मगर दोस्तों ऐसे कॉलेजों में कम सीट होने की वजह से कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही कम स्टूडेंट को एक बढ़िया प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल पाती है। तो दोस्तों इन सब कारणों की वजह से इंडिया आज MBA करने के मामले में वर्ल्ड की सबसे बेकार कंट्री की लिस्ट में शामिल हो चुका है। अब दोस्तों हम बात करते हैं चाइना की। तो अगर हम चाइना में MBA करने की बात करें तो चाइना और हांगकांग के कई बिजनेस कॉलेजेस आज वर्ल्ड के टॉप 15 MBA कॉलेज की लिस्ट में शामिल है, जिसकी वजह से चाइना आज MBA करने के मामले में वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंट्रियों में शामिल हो चुका है। दोस्तों चाइना की कुछ सिटीज जैसे कि शंघाई, बीजिंग और हांगकांग आज ग्लोबली फाइनेंस का इंडस्ट्रियल सेंटर बन चुका है, जिस कारण इन सिटीज में MBA करने वालों को बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों चाइना के कई बिजनेस कॉलेजों में तो MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टूडेंटों को 3 महीनों के अंदर एक अच्छी खासी जॉब मिल जाती है, और कुछ कॉलेजों में तो पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले सभी स्टूडेंटों को आसानी से जॉब मिल जाती है। और अगर हम सैलरी की बात करें तो चाइना में MBA करने वाला स्टूडेंट इंडिया में MBA करने वाले से करीब 150% ज्यादा पैसा कमाता है। तो दोस्तों इन सब कारणों की वजह से चाइना आज MBA करने के मामले में वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंट्री बन चुका है।